वेलकम टू ईशानी वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 7 न्यूज की एक नई सीरीज, जिसमें दिन भर की 7 खबरें आपको मिलने वाली हैं, वो भी जो कि आप सबको चौंका कर रख देंगी आपके फेवरेट सीरियल से रिलेटेड ही। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब होगा शुरू एक ऐसा यहाँ पर सीरीज जो कि आप सबको अपडेटेड रखेगा। और यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी लंबी होंगी तो हम आपको टाइम फ्रेम भी दे देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं सारी यहाँ पर खबरें आपके फेवरेट शो से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुंडली भाग्य, जो कि आप सभी का फेवरेट शो है। कुंडली भाग्य में अब यहाँ पर एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आप सबको 2 पूरी तरह से स्टोरीज दिखाई जाएंगी। एक तरफ प्रीता का बदला शुरू होगा, वो भी यहाँ पर निधि को लेकर। दूसरी तरफ राजवीर यहाँ पर पलकी और उसके साथ साथ अपने बदले के बीच में कंफ्यूज होने वाला है। अब आपको क्या लगता है कौन चूज करेगा किसको, आप कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि है कुमकुम भाग्य से जुड़ी हुई। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब यहां पर रणवीर और प्राची की शादी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यहां पर अक्षय ने नया प्लान बना लिया है। नए प्लान के तहत अब यहां पर अक्षय पूरी तरह से रणवीर और प्राची को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, वो भी खुशी का इस्तेमाल करके, जिसमें वो लगभग कामयाब भी होगा। और आप सबको ये अपडेट पूरी तरह से डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी पर खबर की, जो कि कुमकुम भाग्य से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब आने वाला है बहुत बड़ा लीक, जो कि आपको 7 तारीख से दिखाई देगा। 7 तारीख के बाद में आप सबको यहाँ पर एक नए शो की पूरी तरह से शुरुआत देखने को मिलेगी, यानी कि एक नई कहानी आपको दिखाई जाएगी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये खबर सुनकर कमेंट करके जरूर बता देना। बात करते हैं तीसरे सबसे बड़ी खबर की, तो कुमकुम भाग्य लक्ष्मी में अब आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर ऋषि की खोजबीन शुरू हो जाएगी लक्ष्मी को लेकर। लक्ष्मी ऋषि के सामने आंखों के सामने आने के बाद भी ओझल हो जाएगी, क्योंकि कई सारे गुंडे अब यहाँ पर लक्ष्मी का किडनैप करके वापस उसे ले जाने वाले हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर उसके साथ में काफी ज्यादा बदसलूकी की जाएगी। लक्ष्मी की हालत ठीक होते ही अब यहाँ पर लक्ष्मी को काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा और उसे बेचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऋषि क्या लक्ष्मी को बचा पाएगा, और उसके साथ साथ क्या यहाँ पर ऋषि कामयाब हो पाएगा लक्ष्मी को वापस लाने में, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। बात करते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर की, सौभाग्यवती भवा, जो कि आप सबके फेवरेट धीरज धूपर इस शो में नजर आ रहे थे अमनदीप सिद्धू और उनके साथ साथ करणवीर वोरा के साथ में। अब यहां पर उस शो से रिलेटेड खबर आई थी पहले कि अब ये शो ऑफ एयर होने वाला है, लेकिन एक और उसे चांस दे दिया गया है कि आखिर में ये शो ऑफ एयर नहीं होगा, बल्कि यहां पर इसे एक लीप दिया जाएगा। और लीप के बाद में अगर यहां पर स्टोरी की सुधार होती है तो शो को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो यहां पर पहले जो डिसीजन लिया गया था उसी पर जारी रहेंगे सब। बात करते हैं यहाँ पर पांचवी सबसे बड़ी खबर की, जो कि आप सबको सुनकर काफी ज्यादा बड़ा तगड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सब तो जानते ही होंगे अब आपके फेवरेट शो अनुपमा को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे लगातार चलते हुए आ रहा था। लेकिन अब अनुपमा शो के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर अब फोर्स पड़ रहा है। शो को एक बार फिर से नई कहानी और नए यहाँ पर पूरी तरह से स्टेज पर लाने के लिए अब यहाँ पर मेकर्स के ऊपर जोर डाला गया है, जिसकी वजह से मेकर्स ने फैसला लिया है कि 5 साल का एक और नया लीप लाया जाएगा कहानी को एक नए मोड़ को पूरी तरह से देने के लिए, जिसके बाद में अब यहाँ पर हो सकता है कि अनुपमा की एक नई कहानी आपको दिखाई दे और टीआरपी में सुधार आए। हालांकि अभी रीसेंट टीआरपी जो थी 1.9 थी, और यहाँ पर अभी जो सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है गुम है किसी के प्यार में शो का नाम है, जो अब सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। वैसे अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे लास्ट यानी 6th न्यूज की, जो कि आप सब सुनकर चौंकने वाले हैं। यहाँ पर आप सब एलविश यादव को तो जानते ही होंगे, उनके खिलाफ FIR यहाँ पर दर्ज करवाई गई है और उनके साथ में 5 लोगों को और उस FIR में राम रखा गया है। और FIR दर्ज करवाई गई है किस वजह से, चलिए उसके बारे में बताते हैं। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना कर, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ।
करते हैं यानी टॉप 7 की 7th न्यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब एक नया शो आने वाला है जो कि आपको श्रुति झा और उसके साथ साथ अजीत तनेजा के तौर पर दिखाई देगा, और यहाँ पर उसका नाम होने वाला है कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर कैसे मुझे तुम मिल गए, जिसके बारे में डिटेल वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की, तो इस शो के अंदर आप सबको एक अलग ही कहानी दिखाई जाएगी और ये शो बहुत जल्द ही एक नए शो को रिप्लेस करके अपने आप की जगह बनाने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही प्रॉपर डिटेल बता दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये नई सीरीज को देखने के लिए जो कि आपको हर रोज देखने को मिलेगी टॉप 7 न्यूज, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आपको क्या लगता है कौन सी न्यूज हम कवर कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।